बॉस सीजन 14 के लिए आपने वैसे तो कई सारे कंटेस्टेंट्स के नाम सुने होंगे जो इस घर के अंदर नजर आने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कंफर्म्ड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट बताएंगे जो इस घर के अंदर डेफिनेटली नजर आएंगे। वेल दोस्तों, हम आपको बता दें, बिग बॉस जैसे ही अनाउंस होता है वैसे ही कंटेस्टेंट्स की लिस्ट के बारे में लोग कई सारे प्रिडिक्शन करने लगते हैं और कई सारे नाम सामने आने लगते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कंफर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट बताएंगे जो इस सीजन डेफिनेटली घर के अंदर नजर आएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जैस्मिन बसीन का। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एलिगोनी संग रिश्ते में रहने वाली जैस्मिन बसीन, जो अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड एलिगोनी के लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चित थी और जो हाल ही में खतरों के खिलाड़ी में भी नज़र आई थी, उनका परफॉर्मेंस वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। और ये भी कहा जा रहा है बिग बॉस में जैस्मिन बसीन अगर जाती हैं तो शहनाज गिल को काफ़ी टक्कर देंगी जैस्मिन बसीन। अब ये कंफर्म हो चुका है कि जैस्मिन बसीन इस सीज़न ज़रूर नज़र आएंगी बिग बॉस के घर के अंदर। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है निशांत मलखानी का। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा जैसे शोज करने वाले निशांत मलखानी अब बिग बॉस घर के अंदर नज़र आएंगे। जी हाँ, और उनका नाम भी कन्फर्म कर दिया गया है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है नेहा शर्मा का। नेहा शर्मा जिन्होंने हाल ही में एक गाना सिद्धार्थ शुक्ला संग किया, जो बिग बॉस सीजन 13 के विनर रह चुके हैं, अब नेहा शर्मा जो है वो बिग बॉस हाउस के अंदर नजर आएंगी। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है एजाज खान का। एजाज खान नाम सुनकर आप कंफ्यूज ना होए, क्योंकि ये वो एजाज खान नहीं, लेकिन ये एजाज खान वो है जिनको एकता कपूर के शो काव्यांजलि में आपने देखा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, एजाज खान अपने रूमर्ड गर्लफ्रेंड अनीता हसनंदानी के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए भी काफ़ी जाने गए थे और साथ ही में एजाज ने उनके ब्रेकअप के बाद ये कहा था कि अनीता उन्हें चीट कर रही थी, इसीलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। अब जब एजाज घर के अंदर जाएंगे तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कुछ राज खुलते हैं। वहीं इस लिस्ट में पांचवा नाम आता है पवित्रा पुनिया का। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, ये है मोहब्बत ए नागिन 3 और कवच जैसे शोज करने वाली पवित्रा पुनिया का पिछले सीज़न में जाना कहा जा रहा था कि क्योंकि पिछले सीज़न में वो जाने वाली थी, लेकिन वो नहीं गई और वो इस सीज़न में ज़रूर जाएंगी। वहीं इस लिस्ट में छठा नाम आता है नैना सिंह का। जी हाँ दोस्तों, स्प्लिट्स विला और कुमकुम भाग्य जैसे शोज में तो आपने नैना को देखा ही है। वहीं नैना ने हाल ही में कुमकुम भाग्य क्विट कर ये कहा था कि वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शो क्विट कर रहे हैं और कहीं ये बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो बिग बॉस ही तो नहीं, तो वो जल्द नज़र आएंगे बिग बॉस हाउस के अंदर। वहीं लास्ट नाम आता है कुमार जानू। कुमार नाम सुनने से ही समझ में आ जाता है कि कुमार शानू के बेटे कुमार जानू जो अपना डेब्यू करने वाले हैं Z5 के शो से, अब वो भी बिग बॉस हाउस के अंदर नज़र आएंगे। तो ये जो नाम है ये कंफर्म बनकर और सामने आए हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं इन सभी कंटेस्टेंट्स को घर के अंदर देखने के लिए, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बिग बॉस के सभी अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।